और उनका पूजा करते थे, उनके गीत गाते थे। अभी तक तो बस यही सब चलता था, पर अब ये सब नहीं चलता है। अब चलता है कि हमें भगवान के नाम पे पॉपुलर होना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं भगवान के नाम पे, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेना है, अब ये चल रहा है। सो इसी दलदल का किंग है हमारा जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। अभी तो आप लोग कह रहे हो कि इसमें बुरा क्या है, अगर ये जय श्री राम चिल्ला रहा है तो कोई बुरा नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, अपने धर्म को सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, मैं भी चिल्ला रहा हूँ जय श्री राम, यहाँ तक सही है। दिक्कत कहाँ से आता है? दिक्कत आता है यहाँ से, ना श्री राम जी का समय, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि दिक्कत यहाँ है कि भाई भगवान के नाम पे ना तुम शेयर बढ़ा रहे हो, बस अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मेरे रीच बढ़े। मैं भगवान को सच्चे मन से याद करूंगा? नहीं। भगवान का पूजा करूंगा? नहीं। भगवान के नाम पे शेयर लूंगा, इतने शेयर करवाऊंगा, इतना पॉपुलर हो जाऊंगा भगवान के नाम पे, किसी ने सोची ना होगी। ये दोनों पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर, इनका करियर अब डेंजर में है। कब तक ये आखिर जो जोगिंदर थारा भाई करके कब तक ये चला लेंगे, या फिर ये पुनीत सुपरस्टार कब तक क्या इसे करके चला लेगा? कभी तक नहीं चला पाएगा। मुश्किल से मुश्किल 9 महीने। ये आदमी कैसे हमारे भगवान को तोड़ रहा है, और इसने खुद बोला है कि मैं तोड़ूंगा और हिंदू धर्म मेरा क्या कर देगा। और ये जो अनपढ़ लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये भगवान का मूर्ति वो नहीं कर रहा है, वो ध्यान से देख भाई उसे, वो शैतान है, ठीक है। और ऐसा एक रिचुअल रहता है कि ऐसा करना रहता है, वो भगवान का मूर्ति नहीं है, भगवान उसके बगल में है, वो शैतान को ऐसे कर रहा है। पर इन अनपढ़ सस्ते एक्टर्स को क्या पता, ये एक्टिंग तो देखो एक बार, हमारे थारा भाई जोगिंदर का एक्टिंग नहीं देखे हो? और ये पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के घर में जाके तो हग के आ गया था, सच में भी हगा था और वैसे भी हगा था। इस उर्फी जावेद को पर ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसने हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता ना जो बिना कपड़ों के सड़कों पर घूमता, बिना कपड़ों के, उर्फी जावेद बिना कपड़ों के घूमती है? कहाँ घूमती है भाई? हाँ माना कि मतलब थोड़े कपड़े कम रहते हैं, लेकिन बिना कपड़ों के नहीं यार, बिना कपड़ों के कैसे घूमेगी यार। तो ये जरूर बोल सकता है कि ये ऐसे अगर करती है, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, सो ये ऐसा ना करे, और अगर करे तो ये पब्लिकली ना ऐसा दिखाए, क्योंकि इससे आने वाले आगे के जनरेशन्स इंस्पायर होंगे इसे देख के कि भाई इसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं, इसने ऐसे करके गेन किया है, क्यों ना हम भी ऐसे ही करके गेन करते हैं। तो इंडिया की सारी लड़कियां उसी राह पे चली जाएंगी जिस राह पर हमारी उर्फी जावेद है, तो ये बोलता तो सही लगता, पर तू ये क्या कह रहा भाई कि वो तो बिना कपड़ों के घूमती है। और वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करना जरूरी है भाई, रीच नहीं रुकना चाहिए, व्यू आते रहने चाहिए, पैसे बनते रहे। के टाइम में ना कोई किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है, देख रहे हो ये स्टूडियो मैंने मेहनत से बनाया था, एक एक रुपया जोड़ के, और कोई चुरा के ले गया सारा सामान, मेरी 3 साल की मेहनत एक दिन में। हाँ भाई बहुत ज्यादा मेहनत किया था, वो बच्चे के नाम पे जो फंड उठाया था ना उसी से तो अपना घर भी तूने बनवाया था, और उसी से शायद स्टूडियो भी बना होगा। जिस चीज के लिए मैंने जी जान मेहनत की थी ना, ये मेरा गोल्डन प्ले बटन सब तोड़ दिया इधर। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई तेरा प्ले बटन टूटा हुआ, भाई वीडियो बनाने के लिए कुछ भी यार नहीं कर दो सारा सही है, सारे जूते उतार दो, सब खिलाड़ी आराम जा देंगे, तेरे पापा की फोटो भी ले लेते, और अपनी मम्मी को भी ले लेते हो इसी सब चक्कर में, मम्मी से भी झूठ बुलवा देते हो यार वीडियो बनाने के लिए। भारत हिंदुस्तान में पूजा जाता है ना वो गौ माता है, पर कूड़ा खा रही है, तूने तुम्हारी माँ की कसम है वीडियो इतनी शेयर करना था। ले भाई गौ माता की मदद करना नहीं, गौ माता को खाना खिलाना नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है कि वीडियो को शेयर करना। हाँ भाई ये सही है, वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, छोटी सी मासूम सी जान जब घर में लड़का पैदा होता है ना भाई, हर माँ बाप ना सोचता है कि उनकी बेटी गलत हाथों में ना चली जाए, ठीक है, पर आज तक तुम्हें पता लगा वो गलत हाथों का मतलब कौन से हाथ थे? वो गलत हाथ ये जोगिंदर का हाथ था, अबे इस बच्ची को हटा लो ये गलत हाथों में जा रही है। घर में मैंने जन्म लिया है, यहाँ पर मैं खेलता था, और जब हमें भूख लगती थी ना तो मम्मी ना हमें यहाँ पर बैठा के, मेरी दोनों बहनों को मेरे को बैठा के यहाँ पर खाना खिलाती थी, और यहाँ पर हम सोते थे, एक कमरा हमारा अंदर है, एक कमरा हमारा यहाँ पर था। उसके बाद फिर एक बच्चे के नाम पे हम लोगों ने कर दिया 2-3 करोड़ का स्कैम, और उन्हीं 2-3 करोड़ रुपए से हमने बना दिया अपना घर, और रहने लगे हैं अच्छे घर में। भाई इसका एक्सीडेंट हो गया, ये शायद इस दुनिया में नहीं रहा। भाई एक बार देख रहे हो आप लोग, अभी मैं थोड़ा कुआं से गुड़गांव की तरफ जा रहा था, और गुड़गांव जाते जाते मुझे रास्ते में एक कंटेंट दिख गया कि किसी की स्कूटी ठुकी हुई है, सो मैं उसे हेल्प करना नहीं, उसका पता करना नहीं, कंटेंट बनाना, वीडियो शेयर करवाना पहले, ये इम्पोर्टेंट है। खैर 2023 का एंड आ चुका है, काफी अच्छा साल रहा हनी सिंह का, कह सकते हो कमबैक भी हो ही गया। अरे ये वाला नहीं यार, असली वाला हनी सिंह का। और तो और
इस साल हमने अपना न्यू चैनल बनाया, मतलब यही वाला चैनल, इसके पहले वाला तो डिलीट हो गया था, न्यू चैनल बनाया, इस पर भी हम लोगों ने 2000 कितना सब्सक्राइबर हो गया भाई, और इस पर भी हम लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर कर लिया मात्र 8 महीने में या 9 महीने में ऐसे ही। इस साल तो मेरा 2000 सब्सक्राइबर था, बाकी देखते हैं अगले साल के एंड तक कितना सब्सक्राइबर होगा, कहीं 2000 2 लाख में ना बदल जाए, क्या मतलब 2 मिलियन हो जाएगा यार। खैर जाते जाते मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अपने धर्म को सपोर्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जितना हो सके करो, लेकिन व्यूज़ के लिए नहीं यार। क्या कहते हो कि तुम्हें श्री राम जी की कसम है वीडियो शेयर करना, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है फोटो को लाइक कर देना, तुम्हें भगवान का कसम है अगर इस फोटो को इग्नोर किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब नहीं यार। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बस जय श्री राम बोल के जा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें श्री राम जी की कसम है वीडियो शेयर करना, ये सब नहीं भाई, मन हो तो कर देना, नहीं मन हो तो मत करना।